हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, मेरी हमेशा कोशिश होती है कि आपको हमारी दुनिया के मुतालिक वो बातें बताऊं जो शायद आप लोगों को पता ना हो। इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के मशहूर तरीन शहरों में से एक पेरिस की तरफ ले जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों, पेरिस फ्रांस का कैपिटल है। पेरिस को दुनिया का फैशन कैपिटल भी कहा जाता है। दुनिया में जो फैशन ट्रेंड्स चलते हैं वो पेरिस से ही शुरू होते हैं। पेरिस को मकामी जबान में ला विले लुमेरे भी कहा जाता है, जिसका मतलब सिटी ऑफ लाइट्स यानी रोशनियों का शहर होता है। इसके अलावा पेरिस अपनी खूबसूरती की वजह से भी जाना जाता है। आइफल टावर से आप सब लोग वाकिफ ही होंगे। हर साल सैकड़ों सयाह पेरिस का रुख करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि पेरिस के नीचे क्या मौजूद है। दोस्तों, पेरिस के नीचे एक पूरा कब्रिस्तान आबाद है। इस शहर के नीचे 60 लाख लोगों के ढांचे पड़े हुए हैं। इनको कैटागॉम्स ऑफ पेरिस भी कहा जाता है। यूं एक इंतहाई खूबसूरत दिखने वाला शहर दरअसल एक कब्रिस्तान के ऊपर आबाद है। ये कब्रिस्तान पेरिस के नीचे मौजूद गारों और सुरंगों में मौजूद है, जो मीलों तक फैला हुआ है। इस कब्रिस्तान में 60 लाख लोगों के ढांचे मौजूद हैं। इसके मुतालिक बेहद अजीब किस्म की बातें भी मशहूर हैं, जिनका जिक्र मैं इस वीडियो में करूँगा। दोस्तों, पेरिस जब यूरोप का एक हब बना और लोगों की बड़ी तादाद दुनिया भर से इस शहर का रुख करने लगी, तो इसके साथ साथ पेरिस एक बहुत बड़े मसले से भी दोचार हो गया। 17वीं सेंचुरी तक पेरिस में लोगों की तादाद में बेइंतहा इजाफा हो गया था। आबादी बढ़ने के साथ साथ मरने वाले लोगों की तादाद में भी इजाफा होना शुरू हो गया। ये तादाद इतनी बढ़ चुकी थी कि अक्सर लोगों को दफनाने की जगह भी नहीं मिलती थी। अक्सर लाशें कब्रों से बाहर निकल आती थी। ये एक इंतहाई परेशान कुन बात थी, क्योंकि शहर भर में लोगों को दिन रात इन लाशों से फैलने वाली स्मेल आती, जिससे एक बड़ी तादाद में लोग बीमार भी होना शुरू हो गए थे। इसी परेशानी की वजह से 1763 में यानी 1763 में फ्रांस की गवर्नमेंट ने फैसला किया कि फ्रांस के कैपिटल पेरिस में अब किसी इंसान को दफनाया नहीं जाएगा और हर लाश को शहर से बाहर ही दफनाया जाएगा। ये बात मुनासिब तो थी, लेकिन पेरिस में वहाँ की चर्च को ये बात पसंद नहीं आई। इन लोगों ने इस बात की मुखालफत की। ये झगड़ा 17 साल तक चलता रहा और लाशों को पेरिस में ही दफनाया जाने का सिलसिला चलता रहा। लेकिन 1780 में यानी 1780 की गर्मियों में फ्रांस में लंबी बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। इससे पेरिस भी मुतासिर हुआ और शहर में दफन हुई हुई लाशें बाहर निकलना शुरू हो गईं। पूरा शहर गली हुई लाशों से भर गया। शहर में बीमारियाँ फैलने लगीं और बदबू की वजह से लोगों का रहना मुश्किल हो गया। इस बार फ्रांस की हुकूमत को एक्शन लेना पड़ा। पेरिस के सबसे बड़े कब्रिस्तान का नाम सिमेंट्री ऑफ इनोसेंट्स था। इस कब्रिस्तान में तकरीबन 20 लाख लोग दफन थे। इसके अलावा शहर भर के तमाम कब्रिस्तानों में मौजूद लाशों को मिला लिया जाए तो ये तकरीबन 60 लाख लाशें बनती थी। जैसा मैंने आपको बताया कि उन दिनों फ्रांस में शदीद बारिश हो रही थी और इस बारिश में ये काम आसान नहीं था, लेकिन फ्रांस की हुकूमत ने फैसला किया कि इन तमाम लाशों को जल्द अज जल्द कहीं और मुंतकिल किया जाएगा। ये दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी लाशों की तादाद थी जिनको मुंतकिल किया जाना था। इन लोगों की खुशकिस्मती थी कि इन लोगों को इन लाशों को स्टोर करने के लिए एक आइडियल जगह मिल गई। इस जगह को लाइमस्टोन टनल्स कहा जाता है। ये सुरंगें या टनल्स पेरिस के नीचे मौजूद हैं। दोस्तों, जब पेरिस को तामीर किया जा रहा था तो इसके नीचे ये 200 मील लंबी सुरंगों का जाल बिछाया गया, ताकि यहाँ से भारी पत्थर ले जाकर इस शहर की तामीर के लिए इस्तेमाल किए जा सकें। दोस्तों, यहाँ एक और दिलचस्प बात यह भी है कि इन सुरंगों पर खड़े पूरे शहर के वजन की वजह से बड़े बड़े सिंक होल्स बनना शुरू हो गए थे, जिसमें इस शहर की बिल्डिंग्स गिरना शुरू हो गई। इस तरह पूरे शहर के गिरने का खतरा मौजूद था। लेकिन 1777 में पेरिस को फिर से स्टेबलाइज किया गया। 1780 यानी 1780 तक शहर के नीचे मौजूद सुरंगों को ठीक करने का काम मुकम्मल कर लिया गया और अब फ्रांस की हुकूमत ने फैसला किया कि तमाम 60 लाख लाशों को इन्हीं सुरंगों में भर दिया जाएगा। इस काम में काफी अरसा लग गया। हर रात शहर के कब्रिस्तानों में लोगों की लाशें निकालने का सिलसिला शुरू हो गया। इस खुदाई के दौरान एक प्रीस्ट भी मौजूद होता, जो इस बात का ख्याल रखता कि लाशों की बेहुरमती ना हो। ये प्रीस्ट लाशों को निकाले जाने के वक्त अपनी कोई दुआ भी पढ़ता था। दोस्तों, 2 साल के मुसलसल काम के बाद पेरिस को 60 लाख लाशों से खाली कर लिया गया
और इन तमाम लाशों को शहर के नीचे मौजूद लाइमस्टोन टनल्स में भर दिया गया। अब पेरिस में रहने वाले लोग दरअसल एक कब्रिस्तान के ऊपर रह रहे थे। ये भी कहा जाता है कि लाशों को मुंतकिल करने का काम अगले 100 सालों तक चलता रहा था। इसके अलावा जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आई तो उसमें लोगों का बेइंतहा कत्ल हुआ। इन तमाम लोगों की लाशें भी इन्हीं सुरंगों में रखी गईं। इन सुरंगों में हड्डियों और खोपड़ियों को ऐसे ही नहीं फेंक दिया जाता था, बल्कि एक शेप बनाकर रखा जाता था। ये सुरंगें इतनी लंबी हैं कि यहाँ जाने वाले लोग रास्ता ही भूल जाया करते हैं। तभी इन सुरंगों में बाहर निकलने के साइंस बनाए गए हैं ताकि लोग भटक ना जाएं। लेकिन इन निशानात के होने के बावजूद कई लोगों की हैरत अंगेज कहानियाँ मौजूद हैं जो कई कई दिनों तक इन पुरस्रार और खौफनाक सुरंगों में फंसे रहे। जैसा कि पिछले साल दो टीनेजर्स जिनकी उम्र 16 और 17 साल थी इन सुरंगों में 3 दिन तक फंसे रहे। ये लड़के रास्ता भूल गए थे, शदीद खौफ और भूख प्यास की वजह से ये मरने के करीब थे, लेकिन इनको सही मौके पर रेस्क्यूअर कुत्तों ने बचा लिया और इनको हिफाजत से निकाल लिया गया। दोस्तों 60 लाख से भी ज़्यादा इंसानी ढांचों से भरी हुई ये पुरस्रार सुरंगें जो कि 300 किलोमीटर तक फैली हुई हैं लोगों में शदीद खौफ की अलामत हैं। इन सुरंगों में तरह तरह के वाकयात भी रिपोर्ट होते हैं। इन वाकयात में कितनी सच्चाई है ये मैं नहीं जानता। इन कैटाकॉम्स की तरफ जाने वाले दरवाजे का नाम बैरियर डी एनफर है। इसका मतलब गेट ऑफ हेल है, यानी जहन्नुम का दरवाज़ा। इन सुरंगों में जाने वाले लोगों का कहना है कि उनको ऐसा लगता है कि वहाँ मौजूद दीवारें उनसे बातें करती हैं। यहाँ अजीब व गरीब लोगों को भी घूमते हुए देखा गया है जो अचानक गायब हो जाते हैं। आपको YouTube पर ऐसी कई वीडियोस भी देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों 2010 में भी एक ऐसी ही वीडियो सामने आई थी जिसमें एक आदमी को देखा जा सकता है जो इन सुरंगों में भाग रहा है और फिर वो अचानक से गायब हो जाता है। इन्हीं कहानियों को लेकर कैटाकॉम्स ऑफ पेरिस के ऊपर एक हॉरर मूवी भी बन चुकी है जिसका नाम एज अबव सो बिलो है। ये मूवी 2014 में रिलीज हुई थी। ये भी कहा जाता है कि बास शैतानी लोग शैतान को खुश करने के लिए इन कैटाकॉम से हड्डियां और खोपड़ियां चुराते हैं और इन पर जादू करते हैं। दोस्तों अगर आपका फ्रांस जाने का इत्तेफाक हो तो आप पेरिस के नीचे मौजूद इन सुरंगों में जा सकते हैं, लेकिन यहां पर काफ़ी सारे लोगों के साथ जाना ही बेहतर होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मजीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्रिप्शन बटन के साथ आपको एक बेल आइकन बना नजर आएगा। अगर आप उस घंटी के निशान पर क्लिक कर देंगे तो इस चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहेंगी। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।